सुनो सुनो सुनो, लोखंडे जी अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके हमारे घर से नायगांव वापस जा रहे हैं। हमें हमारे ड्रामा का आखिरी सीन करना है, हमें उनका मनोहार करना है। लोखंडे अच्छा नाम है, मनोहर क्यों रखा? मनोहर नहीं, मनोहार। मनोहार एक फॉर्मेलिटी है। आपका घर छोड़कर जब कोई जाता है ना, तो आप मनोहार करते हैं। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कहते हैं कि प्लीज रुक जाइए, कुछ दिन और रुक जाइए, उसे मनोहार कहते हैं। क्या है कि लोखंडी जी के साथ हमारी रिश्तेदारी होने वाली है, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फैमिली की एक अच्छी इंप्रेशन लेकर वो जाए। लोखंडे जी को लगना चाहिए कि ये कितना संस्कारी परिवार है। लेकिन सर, अगर हमने उन्हें जाने से रोका और वो सचमुच रुक गए तो? हाँ। अरे बड़े स्वाभिमानी है वो, अपनी बेटी के ससुराल कभी नहीं रुकेंगे। लेकिन 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 हमें इतना भी मनोहार नहीं करना है कि वो सच में रुक जाए। पर एग्जैक्टली कितना मनोहर करना है कि वो रुक ना जाए? मुझे पता था कि हम में से कोई ऐसा एक निकलेगा। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। सी, तुम सबको पता है तुम लोगों को क्या क्या बोलना है, लेकिन कौन किसके बाद बोलेगा वो मैं तय करूंगा। इसलिए मैं तुम सबको इशारा करूंगा। आंख मार के? नहीं, आंख मार के नहीं, मैं तुम सबको नंबर्स दूंगा। उर्मिला तुम हो नंबर वन, के यू आर नंबर टू। नो नो नो, नंबर दो मैं, नंबर दो मेरे लिए लकी नंबर है। ठीक है, तुम नंबर दो। हाँ। और के यू आर नंबर थ्री। ओके। और जय यू आर नंबर फोर। नो डैड, आप लोग मिलकर आइए, मैं जरा जय से मिल के आता हूँ। ओके ओके ओके, मैं इशारे करूंगा और तुम बोलना शुरू करोगे। ओके ओके, मिशन मनोहार। यस। अरे बेटे 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 बेटे, तुम दोनों से थोड़ी जरूरी बात करनी है। जी बोलिए बाबा। क्या है, मैं एक साल की यात्रा पर जाने वाला था, तो अपना नायगांव का जो घर है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक संस्था को दे आया था। एक साल के लिए? हाँ हाँ, एक साल के लिए। लेकिन मैं अब ये नहीं चाहता हूँ कि वो घर मैं उनसे वापस ले लूँ। क्या है, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है। तो फिर हम रहेंगे कहाँ बाबा? मैं सोच रहा हूँ कि एक साल के लिए हम धर्मशाला में रहेंगे, तो तुम दोनों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? कैसी बातें कर रहे हो बाबा, अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है तो हम धर्मशाला में रह लेंगे। सचमुच रह लेंगे? बाबा आपने एक बार कह दिया ना, बस हमारे लिए बस वही काफी है, है ना सुषमा? यस बाबा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम जीजू के परिवार को भी धर्मशाला में रखते हैं अपने साथ, क्योंकि ये घर भी हम दे सकते हैं ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। अच्छा ओके ओके, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारा तो होने वाला ससुराल है। तू इतनी बकबक बंद कर, जा जाके बाबा के लिए चाय लेके आ। नहीं लेके आ। पागल लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। बाबा। हाँ, इसकी माँ भी ऐसी चुलबुली और शरारती थी, लेकिन तुम मेरी बेटी हो, मुझ पर गई हो। प्रेमचंद जी, आप इतने अच्छे और इतने सच्चे लोग हैं जी, कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम आपके घर में रह रहे हैं। ऐसा लगा प्रभु रामचंद्र के अयोध्या में दिन काट रहे हैं। क्यों क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? मैं तो कहता हूँ धर्मशाला में जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ अयोध्या में ही रुक जाइए। मेरा मतलब है घर में ही रुक जाइए। नहीं नहीं जी नहीं, इतने दिन आपको तकलीफ दे चुका हूँ, अब और नहीं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? हाँ अंकल जी, हमें तो आपकी सेवा करके बहुत आनंद मिला। और दो। और दो। नहीं नहीं, ये कहना चाहती है कि नाश्ता और दो। अरे नहीं नहीं, इतना काफी है। अच्छा अच्छा,
जी हमें तो बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा करके, पर अब नहीं लगेगा। अब जा रहे हैं ना तो कैसे लगेगा? हम तो कहते हैं कि आप यही रुक जाइए, आप यहाँ रुकेंगे तो हम सबका मन लगा रहेगा। बहन जी लेकिन जाना तो होगा ही। हाँ हम समझ सकते हैं, हम गरीबों की तो किस्मत ही फूटी होती है। अब देखो ना भाई साहब, हमारे जिंदगी में थोड़ी खुशी आई और वो भी आज हमें छोड़ के जा रही है। अभी तक पीसी ने कोई नंबर नहीं दिया, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। आप धर्मशाला जा रहे हैं ना भाई साहब, मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए। हाथ जोड़ के गुजारिश है, यहाँ रह जाइए, हम सबका मन लगा रहेगा। हाँ हाँ पता है, ज्यादा नहीं बोलना। ज्यादा नहीं बोलना है, आधा आधा नहीं बोलना, ये कहा था मैंने। जो मन में आए वो खुल के बोलना। अच्छा मुझे ही बोलना है, खुली तो हमारी किस्मत थी। और वो ऊपर का कमरा जिस दिन आप हमारे घर में आए, हमारा आंगन आपके करेले के काढ़े से महकता रहता था। कपाल भारती आप करते थे और पेट पेट इनका कम होता था। अरे पांच नंबर तो कोई नहीं है, क्या हो गया पीसी को? क्या दिन थे वो, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए कह के ये पूरे घर में घूमते रहते थे। मतलब कि आपको पकड़ के प्यारी प्यारी मीठी मीठी बहुत सारी बातें करने के लिए घूमते रहते थे। पर अब आप जा रहे हैं, 10-20 ये नंबर तो नहीं डिसाइड हुआ था, क्या हो क्या क्या इन लोगों को, मैं ही बोल देती हूँ। आप जा रहे हैं इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मत जाइए। बस बस इतनी ही गुजारिश है कि मत जाइए। अब बहुत हो गया रिश्तेदारी में शर्माना, अब तो आप अपने हैं, प्लीज अपना समझ के रुक जाइए। रुक जाओ, अब तो इन्होंने भी कह दिया रुक जाओ। बस बस हो गया मनोहर, मनोहर मन की बात ओवर, अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब हम कुछ कहना चाहते हैं। मेरी लड़की जया कितनी तकदीर वाली है कि वो आपके जैसे अच्छे और संस्कारी परिवार की बहू बन रही है। आज तो हम धन्य हो गए। बहन जी आप आपने इतना कुछ कहा है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नहीं कहेगी जय की माँ, अब कुछ मत कहना है, क्योंकि और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बहन जी के इतना कहने के बाद भी हम चले गए तो वो तो इनका निरादर हो जाएगा। बहन जी ऊपर वाला कमरा खुला रहने दीजिए, हमारे बच्चे एक हो रहे हैं, हमारे दो परिवार एक हो रहे हैं, तो हमें भी एक होकर एक साथ ही रहना चाहिए।
अब आप जैसे सच्चे लोगों से इतना नानुकुर करूंगा तो वो अहंकारी कहलाऊंगा, है ना बहन जी? आपने इतने प्रेम पूर्वक निवेदन किया है तो हम उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं, हम यही रहेंगे। सुधाकर जी काका, आ जाओ। काका मैंने फोन कर दिया है, धर्मशाला का बुकिंग हो गया है। वो रहने दो, अब हम यहीं पे रहेंगे प्रेमचंद जी के साथ एक साल तक। हाँ हाँ, एक साल तक इन्हीं के परिवार के साथ रहेंगे। चलो अब तुम धर्मशाला चली जाओगी रहने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग मिलेंगे नहीं। मैं अभी से तुमसे कह रहा हूँ, मैं रोज आया करूंगा तुमसे मिलने के लिए, रोज। बिल्कुल नहीं। हाँ? यानी बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं का क्या मतलब? बिल्कुल नहीं क्यों? मतलब क्या हुआ बिल्कुल नहीं का? मतलब मैं भी तो मिलने आऊंगी ना तुमसे कभी कभी। जब तुम ऐसे बात करती हो तो प्यार था तुम बस। किसी को भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये तुम पे लागू होना चाहिए। ये कनीज आपके लिए एक पैगाम लेकर आई है। लाइए, बताइए पैगाम क्या है? शहजादे, ये कनीज आपके लिए एक पैगाम लाई है। बार बार एक ही बात रिपीट मत करो वरना शहजादे को गुस्सा आ जाएगा। पैगाम बताओ। जी, सलीम और अनारकली को अलग होने की कोई जरूरत नहीं। जहां पन्ना ने किला छोड़कर न जाने का फैसला कर लिया है, मुबारक हो। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। अरे दीदी, धर्मशाला जाने का प्लान कैंसिल हो गया है, अब हम सब यहीं रहेंगे। क्या शहजादे सलीम? अरे सलीम क्या बात है, तुम बताओ क्या बोल रही हो। जीजू, आपके घर वालों ने बाबा को धर्मशाला जाने से रोक लिया है। क्या? जी, आपके घर वाले तो यही चाहते हैं कि हम सब यहीं रहें। और इनफैक्ट उन्होंने तो इतनी जिद की कि बाबा को भी मानना ही पड़ा। आपको पता है बाबा आप एक साल तक यही रहेंगे, मैं भी। जय, तुम रो रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, तो ये खुशी के आंसू है। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? घर वालों के आंसू पोंछने, वो भी तो बाहर होंगे। अरे नहीं बाबा, वहां नहीं, वो जो नीली नीली खिड़की है वहां पर आओ। हाँ हाँ, वहीं पर, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, जल्दी आओ। दाइमा। जल्दी। हाँ सुधाकर बेटा। चाय बन गई क्या? हाँ बस उबल ही रही है। हाँ। दाइमा, दाइमा ना। अरे चाय भी। खाली पतीला, इसमें क्या हवा उबल रही है? कमाल है, दाइमा ने झूठ क्यों बोला? काका, काका, काका। बर्बाद हो गए जय, बर्बाद हो गए, खत्म, खलास, फिनिश। इस औरत ने हमें कहीं घर नहीं छोड़ा बेटा, कहीं घर नहीं छोड़ा। मिस मॉल टोनी, इतनी लंबी लंबी छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे सामने ही पीसी ने बोला था ना कि मनोहर करना। भगवान, ये मैनिक्योर करवाने वाली को मैंने मनोहर कहाँ सिखा दिया? लोखंड जी, रुक जाते तो सबका मन लगा रहता। अरे कुल्हाड़ी पे पैर मारने की क्या जरूरत थी तुमको? हाँ अभी गलत इल्जाम मत लगाओ के वहाँ कोई कुल्हाड़ी नहीं थी।
बेटा फॉरन मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाओ और मेरे लिए एक बेड बुक कराओ, मेरा फ्यूज कभी भी जा सकता है। अच्छा ये क्या कर रहे हैं आप डैड, क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ हाँ जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी। आई इसने फोन भी कर दिया और वो लोग आ भी गए लेने के लिए। पागल हो क्या, गीला रंग होता है क्या? गीला नहीं नीला रंग, नीले रंग की खिड़की पर आओ, जल्दी आओ। हाँ जल्दी। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? लोखंडे जी की चाय है। तो ये चाय अमीर घर से मंगवा लेती ना आप। राइट, अब वहां जाती कैसे? गायब होने की गोली खाकर? अरे महाराज सुधाकर तब से आंगन में मंडरा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अब आप सब लोग भी इसकी आदत डालो, एक साल तक चाय नाश्ता खाना पीना सब कुछ इसी खिड़की से आने वाला है। और सर एक साल तक तो आप भी बिजनेस विजनेस सब भूल जाएंगे, क्योंकि इस घर के बाहर कदम भी नहीं रख पाएंगे। लोखंडे जी बेटा कुछ कर बेटा, तू कुछ कर प्लीज, मुझे कुछ मत करना। तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करने वाला है, ये एक साल तक में ये गरीबी की रोटी नहीं तोड़ सकता बेटा। भाई अंकल ठीक कह रहे हैं, मैं भी कब तक मगरमच्छ बन के घूमता रहूंगा। अरे तो मैं क्या करूं बताओ। क्या करूं? नहीं बताओ ना, मैं क्या करूं? हे ऐसे बोलो। लोखंडे जी आप अपनी बेटी के ससुराल में क्यों रह रहे हैं, ऐसे बोलो। फैंटास्टिक, मस्त आइडिया है। ये भी यार कम नहीं है भाई मेरे, हम ऐसे बोल नहीं सकते। हम नहीं बोल सकते हैं लेकिन किसी से बुलवा तो सकते हैं कि भैया बेटी के ससुराल में आप क्या कर रहे हो। आइए काका, आइए काका, चाय से लोगों की नींद खुल जाती है, आपकी आंखें खुल जाएगी। सही कह रहा है, अपनी आंखों से देख लीजिए। चलिए देखिए काका, देखिए पतीले में हवा उबल रही है। देखिए गड़बड़ आया ना, गुस्सा, बहुत गुस्सा आया है मुझे। देख क्या हवा है ये। अरे काका एक मिनट पहले पतीला खाली था, स्वर किया दादी बाप की कसम। अब ये कहां से आया? क्या? क्या हुआ भाई साहब? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये इसकी बुद्धि का जो चूर्ण है वो गर्म पानी से दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ आए थे। दूं गर्म पानी? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसकी बुद्धि जो है वो चार धाम यात्रा पर गई है, उसको बार बार लाना पड़ता है। चल चल बहन जी आप आइए। दीपक बात तो तू पता ही की कर रहा है, बस इसी बात का एहसास दिलाना होगा लोखंडे जी को कि अपनी बेटी के ससुराल में रुके क्यों हैं वो। एक बार ये बात उनके दिल में उतर गई, उसके बाद बुरिया बिस्तर बांध के सीधे धर्मशाला। दीपक मेरे भाई ये सब ठीक है लेकिन ये बात उन तक पहुंचाएगा कौन? हाँ कौन लेके जाएगा ये बात? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी कि इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से आप में? गलती मैंने की है ना तो सुधारूंगी मैं ही ना। तुम कहीं नहीं जाओगी, प्रॉमिस, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगी, सीधा जाके बोल दूंगी। भाई साहब दीपक बोल रहा था कि आपको शर्म नहीं आती आप अपनी बेटी के घर में रह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम यहाँ पे रह रही हो? अच्छा शर्म के पहले तुम्हें ऐड करना है।
I ignore. लो बोलो जाओ कोने में जाओ और प्रैक्टिस करो हा? किस तरह बोलने वाली हो प्रैक्टिस करो जाओ दीपक तेरी बात सही है बेटा लेकिन लोखंडे जी तक ये बात पहुंचाएगा कौन कबूतर कबूतर नहीं अंकल मुर्गी मुर्गी लोखंडे जी की मुर्गी जो दिन भर घर में घूमती रहती है पका पका का सुधाकर बात तो बिल्कुल सही कह रहा है दीपक सुधाकर सारा दिन घर में घूमता रहता है और जो कुछ इस घर में होता है सारी रिपोर्ट ले जाकर लोखंडे जी को दे देता है इसीलिए सुधाकर नाम की मुर्गी को इस बात का दाना डालना होगा मुर्गी आएगी दाना चुगेगी और लोखंडे जी के सामने जाके अंडे दे देगी यस। सुधाकर फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़